यूपीटेट सीटेट की परीक्षाएं सर पर होने की वजह सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा, सबसे पहले यूपीटेट पढ़ें कि सीटेट पढ़ें, कौन से पढ़ के बेहतर स्कोर किया जा सकता है। आज हम लोग पूरा ये देखेंगे कि यूपीटेट सीटेट कौन सी पढ़नी चाहिए, किसकी रणनीति आपके लिए सबसे ज्यादा काम बेहतर होगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएंगे कि सबसे पहले आपको किस विषय पर कहां कहां फोकस करना चाहिए। एक एक करके हम सभी तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीटेट और यूपीटेट में क्या अंतर है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीटीटी जो है वो राज्य सरकार कराती है और सीटीटी जो है केंद्र सरकार, इसका जिम्मेवारी पीएनपी लेती है, जबकि सीटेट की परीक्षा पूर्ण कराने की जिम्मेदारी हमारे सीबीएसई के हाथ में होता है। सीबीएसई इस परीक्षा को पूरी कराती है। यह दोनों परीक्षाएं 150 प्रश्न 150 मिनट के होते हैं और सभी के खंडों की बात करें तो सभी में प्रश्नों की संख्या समान रूप से आपस में बराबर होती है। फिर सीटेट यूपीटेट में सबसे प्रमुख क्या क्या अंतर है। पहली बात, यहाँ पे 150 प्रश्न, यहाँ भी 150 प्रश्न, लास्ट तक देखिएगा हम पूरा बताएंगे क्या क्या अंतर है। फिर यहाँ पे 150 मिनट का होता है समय, यहाँ पे भी 150 मिनट का समय आपको मिलता है। प्रश्नों की संख्या बराबर, समय बराबर, दोनों का उत्तरांक बराबर। यहाँ पे भी जनरल को 90 नंबर, अन्य कैटेगरी के लिए 82 नंबर है, ठीक, अन्य सभी कैटेगरी, यहाँ पे भी 90 जनरल के लिए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स है। मतलब यहाँ के लिए जनरल 60% और ओबीसी एससी एसटी अन्य सभी जितने भी कैटेगरी है वो 55%, यहाँ पे भी 60% और 55% मार्क लाकर आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। यह दोनों एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है। कौन सी परीक्षा है? पात्रता परीक्षा। अभी तक हवा अफवाह उड़ाई जा रही है 1/4 नंबर जुड़ेंगे, लेकिन अभी तक ऐसे अभी डीएसएस भी हुआ, यहाँ भी इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि ये सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये यूपी उत्तर प्रदेश सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, माने पात्रता परीक्षा है। तो हमने ये देख लिया कि दोनों में प्रश्न संख्या क्या होती है, कैसे कैसे क्वालिफाई मार्क्स क्या होते हैं। अब और आगे देखते हैं कि इन दोनों में और क्या क्या अंतर होते हैं। अब अगर आप सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपकी जो आपका सर्टिफिकेट होता है, जो आपकी मार्क्सशीट होती है, वह 7 वर्षों के लिए वैलिड होती है। कितने वर्षों के लिए? 7, जबकि यूपीटीटी के लिए 5 वर्ष के लिए ही केवल वैलिड होती है। 7 वर्ष और दूसरी तरफ कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए वैलिड होती है। अब सीटेट क्वालिफाई करके आप 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में एलिजिबिलिटी के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे केवल केवल उत्तर प्रदेश में ही आप आवेदन कर सकते हैं। माने अगर सुपर टीटी देना है तो केवल केवल उत्तर प्रदेश से परीक्षा पात्रता से आप केवल उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि सीटेट के लिए उत्तर प्रदेश समेत भारत के अन्य 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि अब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, उन दोनों नए केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर आप किसी भी राज्य के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। मतलब एक बात स्पष्ट हो गया कि यूपीटेट से ज्यादा सीटेट की मान्यता आपके लिए है। अब आगे देखते हैं दोनों की परीक्षाओं में पास करना किससे ज्यादा बेहतर है। आइए देखते हैं एक एक क्रम से उन सभी तथ्यों को बारे में चर्चा करते हैं। अब विषयवार अगर देखें तो सीटेट की परीक्षा यूपीटेट की परीक्षा में एक छोटा सा अंतर मिल जाता है कि सीटेट की परीक्षा में अगर आपकी तैयारी पूरी तरह की तैयारी कभी पूरी होती नहीं, लेकिन अगर आपको सीटेट की परीक्षा पास करनी है तो यूपीटेट की परीक्षा काफी आसान है, ऐसा इलेनी बदुर्गेस की पूरी टीम कहती है। और आपको भी पता होगा हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लास से नोट से काफी लोग इससे सफल हुए। कारण क्या है? सीटेट की परीक्षा में किसी भी सेक्शन की बात करें, चाहे आप हिंदी की बात करें, पर्यावरण की बात करें, मैथ की बात करें, हिंदी की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, अगर वहां पर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आप अपना कॉमन सेंस अर्थात दिमाग लगा के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जबकि यूपीटेट में अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप नहीं दे सकते। जैसे अगर हम देखें, अगर हम बाल विकास की बात करें तो यहाँ पे छोटा सा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। यदि किसी भी बालक को आप किसी चीज को पढ़ाते हैं, बालक बार बार गलती करता है और फिर लास्ट में अंतोगत्वा गलती करने के बाद, जैसे बालक को जोर सिखाते हैं, प्रारंभ में कई बार गलतियां करता, गलती करने के बाद अंतोगत्वा वह क्या होता है, जोर सीख जाता है, इस प्रकार बालक किस
अधिगम के सिद्धांत का अनुपालन करता है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा ये कौन सा अनुपालन है, तब यहाँ पे आएगा थार्नडाइक का सिद्धांत। लेकिन यूपीटीटी में वही एक लाइन पूछेगा कि निम्नलिखित से प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है। अगर आपको थार्नडाइक याद है आपने कर लिया, नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। गणित की बात करें तो गणित में यहाँ बताएगा यदि आप कोई बालक 5 + 3 = 8 जोड़ता है और 6 + 18 = 24 जोड़ता है और 57 + 85 = 12 और 13 जोड़ता है, निम्नलिखित में से बालक के लिए क्या संभावना है। अब आपको यहाँ पे अगर आपने हमारी पूरी क्लास ली है सीटेट की, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया आपको ये बात समझ में आ जाएगा तुरंत क्या गलती है। लेकिन अगर गणित का कोई बड़ा सा प्रश्न यूपीटेट में दिया है अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे कॉमन सेंस भी नहीं लगा पाएंगे और आपके उत्तर गलत हो सकते हैं अगर आपको नहीं आते। लेकिन यहाँ पे 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करके आप आसानी से अपना सिलेबस कवर करके एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इस आधार पर सीटेट को पास करना यूपीटेट के अपेक्षा बेहतर है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप दोनों की तैयारी करिए, सीटेट पहले सीटेट दीजिए, फिर आपके पास यूपीटेट के लिए समय कम है फिर यूपीटेट दीजिएगा। आपके पास 2 मौके हैं और आपको केवल क्वालिफाई होना है, इसलिए आप सबसे पहला फोकस क्वालिफाई होने पे करिए और मेरे लायक क्वेश्चन होगा हम आपके लिए सदैव तत्पर है। आपको यह वीडियो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम सेक्शनल बात करेंगे कि अन्य सभी विषयों में किस तरह से हमें कौन कौन से कमांड रखने चाहिए, कहां कहां से हमें सोर्स ला के पढ़ने चाहिए, वो सभी स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा उपलब्ध हो जाएगा। हमारी ऑनलाइन क्लासेस मैराथन क्लास शुरू हो गई है, अगर आप मैराथन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऊपर दिए गए नंबर में कॉल करके मैराथन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे नोट्स भी उपलब्ध है, क्रैश कोर्स प्रैक्टिस सभी चीजें उपलब्ध है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप जाकर कॉल करके सभी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा तथा साथ ही साथ एक बात का और आप ख्याल रखिएगा कि टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, वहां पे आपको सीटेट की यूपीटेट की पूरी प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज इलेनी पे दुर्गेश पे जुड़िएगा और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, वहां भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन नोट्स भी उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों में से किसे फोकस करना है, आप किस पे फोकस करेंगे, पहले सीटेट पे यूपीटेट पे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।